हर अश्के रसूल का दिलदार कादरी, अब बन गया है इश्क का मीनार कादरी। 4 जनवरी यौम इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पे वाजी मुमताज कादरी शहीद कुद्दीसुल अजीज के जज्बे इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश करने के लिए, इसराइल को तस्लीम करने की मुहिम के सद्देबाब के लिए, फ्रांस के मलऊन सदर के खिलाफ शरई फतवा सादिर करने के लिए अजीम शान फकीदुल मिसाल लब्बैक या रसूलअल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस इंशाअल्लाह ताला 3 जनवरी बरोज इतवार बाद अज नमाज मगरिब 2021 बमकाम मरकज सिरात मुस्तकीम ताज बाग लाहौर खसूसी मकाला व खिताब पेश फरमाएंगे मुहाफ़िज़े नामूसे सिद्दीक़ अकबर व सिद्दीक़े कुबरा कंज़ुल उलमा मौलाना मुफ्ती डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली चेयरमैन तहरीक लब्बैक या रसूलअल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 3 जनवरी को नमाज मगरिब के बाद इंशाअल्लाह मरकज सिरात मुस्तकीम के अंदर लब्बैक या रसूलअल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस मुनक़द की जाएगी। 4 जनवरी 2011 को गाजी मुमताज हुसैन कादरी ने नमूसे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम पे पहरा देने का अमली किरदार अदा किया। उस दिन से हम 4 जनवरी यौम इश्क रसूल अलैहिस्सलाम के तौर पर मनाते हैं। 3 जनवरी मगरब के बाद इंशाल्लाह मरकज सिरात मुस्तकीम में ये प्रोग्राम होगा, जिसका एक मकसद तो गाजी मुमताज हुसैन कादरी शहीद को खिराज तहसीन पेश करना है और वेस्ट को बताना है कि गाजी मुमताज हुसैन कादरी बाराकहू में कब्र में गए हैं, इश्क अब भी दुनिया में हर गली में चल रहा है। कुछ एंकर कुछ सहाफी खरीदे गए हैं, आहिस्ता आहिस्ता फिजा बनाना चाहते हैं, पाकिस्तान जो है वो माज अल्लाह इसराइल को तस्लीम कर ले। कुरान के मानी बदल कर कुफर का रास्ता दिखाकर इसराइल को तस्लीम करने की तकरीरें की जाए। इंशाल्लाह 3 जनवरी का जो सेमिनार है उस पर बंदा ना चीज पूरा मकाला पेश करेगा। इस शेर मर्द का